हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति, आई एम अ पैटेंट एजेंट एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5+ इयर्स इन दिस फील्ड। सो मेरे पास निलेश का मैसेज आया था, मैम पैटेंट हार्मोनाइजेशन समझाइए, मेरा एग्ज़ाम है और मेरे पास इसके नोट्स नहीं हैं। तो निलेश, आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पैटेंट हार्मोनाइजेशन समझा पाऊँ, प्लस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस नोट्स का। फिर भी अगर दिक्कत होती है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, राइट। और आपसे रिक्वेस्ट है निलेश, आपके जितने फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प कीजिए, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम्स है और अगर वो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि उनके पास नोट्स नहीं है, इस टॉपिक का कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है, तो उनको ये हेल्प कीजिए, उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। क्योंकि दूसरों की हेल्प करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मत सोचो कि नहीं मैं कैसे दूँ, ये मेरा कॉम्पिटिटर, मैं इसका, ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपको भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैं भी क्या कर रही हूँ, मैं भी आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी अपने दोस्तों को ये नोट शेयर करो, उनको बताओ अगर वो भी इस प्रॉब्लम में है। चलो पैटेंट हार्मोनाइजेशन समझेंगे। पैटेंट तो आप लोग सब जानते हो व्हाट इज़ पैटेंट, राइट। हार्मोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो हार्मोनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जो एक प्लीजिंग विजुअल कॉम्बिनेशन दे रहा हो। अब प्लीजिंग विजुअल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, देखो एक ऐसा प्रोसेस ना जिसको एक बिल्कुल स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव बनाई गई उसकी, कि हम एक ऐसा काम करें जो कि पैटेंट का हार्मोनाइजेशन, मतलब सारी चीज़ों को एक साथ बिल्कुल अरेंज फॉर्म में हम दे, जिससे क्या होगा, जिससे काफ़ी हेल्प मिल सके लोगों को। इसलिए ये टर्म आया पैटेंट हार्मोनाइजेशन। देखो यहाँ पे डिफिनीशन अगर आप देखते हो तो पैटेंट हार्मोनाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग पेटेंट लॉज, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स अक्रॉस डिफरेंट जुडिक्शंस और कंट्रीज। यहाँ पे क्या किया गया, इस प्रोसेस में पेटेंट के लॉज को, रेगुलेशंस को, उसके प्रोसीजर्स को, जितने भी जुडिक्शंस हैं जितनी भी कंट्रीज के, उन सबको एक साथ अलाइन किया गया। मतलब एक बिल्कुल मैनर्ड फॉर्म में अलाइन किया गया, राइट, बिल्कुल एक प्लान फॉर्म में अलाइन किया गया। कहते हैं ना कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कुछ ऐसा नोट्स ऐड कर दे और बिल्कुल मेलोडी साउंड आ जाए हारमोनी में जो आप बजाते हो, है ना, ऐसा होता है ना। तो यहाँ भी कुछ पेटेंट के साथ ऐसा ही किया गया, राइट। अब यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या गोल था पेटेंट हार्मोनाइजेशन का, तो इसमें था कि भाई बहुत यूनिफॉर्म हो जाए और एक कंसिस्टेंट ग्लोबल पेटेंट सिस्टम हो जाए हमारा। यूनिफॉर्म में अगर होगा, बिल्कुल एक मैनर्ड फॉर्म में होगा चीज़ें, तो क्या होता है, एक अच्छा लगता है देखने में, एक पेटेंट सिस्टम बिल्कुल एक कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म फॉर्म में आपको दिखे, और जिससे डिस्क्रिपेंसीज रिड्यूस हो जाए, जो भी बैरियर्स, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो अराइज हो रहा है आईपी के अंदर, वो ना हो उनके प्रोटेक्शंस में, उनके इन्फोर्समेंट में, राइट। तो इसलिए ये टर्म आया पैटेंट हार्मोनाइजेशन। अब हार्मोनाइजेशन पैटेंट सिस्टम कैन प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स। अब इससे तो बेनिफिट्स होगा ही होगा, ये तो समझ के ही आ रहा है कि पैटेंट हार्मोनाइजेशन जब इतना काम कर रहा है, हमें इतने मैनर्ड में चीज़ें दे रहा है, तो इससे बेनिफिट्स तो है ही। तो किस तरह के बेनिफिट्स हैं, क्योंकि नोट्स के लिए मैंने ये आपको लिख के दिया, ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप अच्छे से, है ना, यहाँ पे आई होप ले लिया होगा आपने, ये भी ले लीजिए। चलिए अब किस तरह से ये बेनिफिट दे रहा है, पहला तो है सिंप्लीफिकेशन एंड एफिशिएंसी, राइट। सिंप्लीफिकेशन मतलब इजी हो गया, बहुत इफ़िशियंट हो गया कोई चीज़। तो हार्मोनाइजेशन क्या कर रहा है, ऐसा एफर्ट्स है हार्मोनाइजेशन का, वो पैटेंट एप्लीकेशन को एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स में हमें दे रहा है, उसके एग्जामिनेशन के प्रोसेस को, उसके लीगल फ्रेमवर्क को, सारी चीज़ें बहुत ईजी तरीके से आपको मिल रही है। और इससे क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है वो रिड्यूस हो गया। अब ऐसे टेंशन होती थी कि भाई ये जुडिक्शन इधर, ये वहाँ, इसकी फ़ीस इधर, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक फॉर्म में है, तो इससे बर्डन कम हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव का, कॉस्ट भी कम हो रहा है एप्लीकेंट का, ठीक है। और इफ़िशियंसी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है इससे पेटेंट के एग्जामिनेशन और ग्रांट होने में। पहले बहुत टाइम लगते थे, एप्लीकेशन आपने डाला, जो भी इन्वेंटर है या जो अपना पैटेंट करवाना चाहते हैं, आपने एप्लीकेशन फ़ाइल किया, बहुत प्रोसेस है उसके, उसमें बहुत टाइम लगता था ग्रांट होने, बट अब ये चीज़ क्या हो गई, इसकी वजह से बहुत इफ़िशियंट हो गई, सिंप्लीफाई हो गई, राइट। तो ये एक फर्स्ट बेनिफिट मिलता है आपको। दूसरा कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टिविटी, एक कंसिस्टेंसी है चीज़ों में कि हाँ भाई इस तरीके से, मतलब होता ही ऑब्वियसली, अगर इफ़िशियंट है तो कंसिस्टेंसी होगी ही होगी। तो आपके पेटेंट लॉज, रेगुलेशंस अगर बहुत अच्छे से अरेंज है, हार्मोनाइज है, तो वो प्रोमोट करता है उसकी ग्रेटर कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टिबिलिटी इन पेटेंट्स राइट्स एंड इन्फोर्समेंट अक्रॉस डिफरेंट जुडिक्शंस। तो दिस बेनिफिट्स बोथ इन्वेंटर्स एंड बिजनेसेस ऑल्सो। तो आपको
इसका बेनिफिट मिलने वाला, चाहे वो इन्वेंटर हो चाहे वो बिजनेसेस हो, एज दे कैन हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेटेंट राइट्स एंड द लीगल प्रोटेक्शंस अवेलेबल टू देम। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा, इट्स वेरी इजी टॉपिक पैटेंट हार्मोनाइजेशन, राइट। इस चीज़ को समझो कि एग्जैक्टली व्हाट इज पैटेंट हार्मोनाइजेशन, इससे क्या हेल्प मिल रही है आपको। नोट्स में मैंने ये नोट्स इसलिए इस तरीके से बनाया है कि आपको बहुत ईजी हो जाए। आप इस तरह का आंसर अगर लिख के आ जाओ, फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। थर्ड बेनिफिट मिलता है ग्लोबल कोऑपरेशन, अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन कोलेब्रेशन आपको आईपी के अंदर चीज़ें मिलेगी ग्लोबली, राइट। जिससे क्या होगा, ये इनकरेज करेगा कि हम एक साथ काम करें इस स्टैंडर्ड पे, इस प्रैक्टिस पे, जिससे इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके और नॉलेज और टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो सके, तो ये एक बेनिफिट आता है यहाँ पे। फिर आता है कि आईपी प्रोटेक्शन को इन्हांस किया जाए, तो पेटेंट हार्मोनाइजेशन क्या करता है, स्ट्रॉन्गर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन को कॉन्ट्रीब्यूट करे एक हायर स्टैंडर्ड में, ठीक है। जो भी उसके पैटेंटेबिलिटी क्रिटेरिया होती है, पैटेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है, राइट, एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म होता है, ये सारी चीज़ें। इससे जो ग्रांट ऑफ वीक और ओवरली ब्रॉड पैटेंट्स होते थे, उनकी क्वालिटी में इम्प्रूव हो जाएगा पैटेंट राइट। तो एक तो ये बेनिफिट्स हो रहा है, यहाँ ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ले लीजिए यहाँ पे, है ना। उसके बाद फैसिलेटिंग ट्रेड एंड इनोवेशन, तो जो भी हार्मोनाइज पेटेंट सिस्टम होता है, ये इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, राइट, और इससे इन्वेंटर, बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स, इन सबको काफ़ी हेल्प मिलती है, और उनकी कम्प्लेक्सिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है, और उनके कॉस्ट भी क्या होते हैं डिफरेंट पेटेंट सिस्टम में कम रहता है। इसीलिए जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, लाइसेंसिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो टीम होती है, उनको काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। तो बेसिकली जो एफर्ट था पैटेंट हार्मोनाइजेशन का, ये सारे उसके बेनिफिट्स हो गए ऊपर, जो आप लिख सकते हो एग्ज़ाम्स में, और आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा, 3-4 पॉइंट्स लिख देना वहाँ पे। तो जो एफर्ट्स था पैटेंट हार्मोनाइजेशन का, ये रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे परस्यू किया गया, जैसे यूरोपियन पैटेंट कन्वेंशन जिसको ईपीसी बोलते हो आप, उसमें पेटेंट लॉज एंड प्रोसीजर्स हैं उनके मेंबर स्टेट्स, है ना। फिर उन्होंने एडिशन किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे वाइपो हो गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सब चीज़ों में इनका एफर्ट्स रहा पैटेंट हार्मोनाइजेशन का। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, तो फाइनली क्या होता है, फाइनली इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अचीविंग कम्प्लीट हार्मोनाइजेशन अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैटेंट लॉ इज चैलेंजिंग, एज इट रिक्वायर्स रिकॉन्सिलिंग डाइवर्स लीगल सिस्टम, कल्चरल डिफरेंस एंड नेशनल इंटरेस्ट, राइट। हाउएवर ऑनगोइंग एफर्ट्स, अभी भी इनका चल रहा है एफर्ट्स वर्ल्ड वाइड इस चीज़ पे कि हम सारे कंट्रीज़ का इस तरीके से कर पाएँ, तो ये सब प्रोसेस में है। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए आप इतना समझिए। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपको अगर समझ आया होगा नीलेश, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, यस मैम मुझे समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, और आपका जो सेकेंड टॉपिक है उसका वीडियो भी जल्दी अपलोड हो रहा है। थैंक यू।